ओके तो भैया अभी अगर आप भी फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने पैसे को लेकर परेशान हैं तो भैया यहाँ पे ये अपडेट आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेसबुक टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट्स कर रहा है सभी क्रिएटर्स के लिए। और अगर आपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि जो आप पैसा कमा रहे हो ना वो आपको ना मिले, हो सकता है कि आपकी सारी रेवेन्यूज वो चली जाएँ, आप खो दो उस पैसे को। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए अभी के टाइम पर, क्या देखो दो चीज़ें हैं, एक आपका $25 है मिनिमम थ्रेशोल्ड और एक आपका $100 है मिनिमम थ्रेशोल्ड, दो चीज़ें हैं लेकिन इनकी भी अलग अलग कंडीशंस हैं। $25 के लिए आपको चाहिए आपका बैंक ट्रांसफ़र और $100 के चाहिए आपको वायर ट्रांसफ़र जिस पर स्विफ्ट कोड लगता है, राइट। बट एक नया अपडेट आ गया कि अब आपको चाहिए $500 मिनिमम कम से कम, बट वो क्या कंडीशन है उसको भी समझो, $500 का क्या हिसाब किताब है। बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर क्रिएटर्स अपने अकॉर्डिंग उसको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सभी का परफेक्ट है, जो जैसा बता रहे हैं परफेक्ट है। लेकिन आप देखो यहाँ पे चीज़ें कि अभी तक आपने देख भी लिया होगा बहुत सारे कॉन्टेंट, तो अब यहाँ पर समझो कि क्या है पूरा मामला और एक्चुअल में जब आप काम करने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस कंडीशन में कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। जैसे आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि आपके पास में अबाउट पेमेंट अबाउट पे आउट ऑन फेसबुक, यहाँ पे देखो क्या है कि भाई यू कैन रिसीव पे आउट ऑफ योर अर्निंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग मोनेटाइजेशन टूल, जैसे कि देखो क्या है, स्टार्स है, सब्सक्रिप्शन है, एड्स और रील्स है, एंड आपके पास में थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास आपके लिए, और यहाँ पे देखोगे आपके पास में एड्स और रील्स, इनस्ट्रीम एड्स, लाइव एड्स एंड बोनसेस, यानी जितने भी ये पाँच से छः टूल्स हैं सबका इसने दिखा दिया कि भाई आपके पास में ये रेवेन्यूज आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ देखो, इन ऑर्डर टू रिसीव पे आउट योर अर्निंग यू मस्ट, क्या होना चाहिए भाई, आपके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होना चाहिए और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी फॉलो होना चाहिए। आपको पैसा रिसीव करने के लिए ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर पैसा भूलिए आप। एक और चीज़ देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सेटअप अ पे आउट अकाउंट, विदाउट अ पे आउट अकाउंट यू कैन अर्न अप टू 500 पर मोनेटाइजेशन टूल। ये देखो ये बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के डैशबोर्ड पे दिखता है कि भाई ऐड टू योर पे आउट देन यू कैन रिसीव योर अर्निंग्स, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा रहा है कि भाई आप मान लो कि आपने कोई भी टूल को सेटअप किया, ठीक है, आप मान लो सेटअप किया या नहीं भी किया आपने तो वो आपका प्रोसेस हो गया, आपके रेवेन्यू से स्टार्ट हो चुके। कई बार लोग आधा अधूरा सेटअप करते हैं, बाद में वो टैक्स आईडी वेरिफिकेशन, बैंक डिटेल, ये सब बाद में करते हैं। तो ऐसे कई केसेस में आप $500 तक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जैसे अभी नए टूल के हिसाब से क्या है, नए टूल में आपका इनस्ट्रीम एड्स भी कनेक्टेड है, आपका बोनस भी कनेक्टेड है, आपका एड्स एंड रील्स भी कनेक्टेड है, सब है। अब वहाँ पे कोई स्पेसिफिक तो है नहीं क्योंकि वो सारा एक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर है। तो स्पेशली यही बोला जा रहा है कि भाई आपका बोनस, इनस्ट्रीम एड्स, सारे जितने भी टूल हैं विदाउट एनी सेटअप आप जो है एटलीस्ट $500 तक आप जनरेट कर सकते हैं पर टूल पे। यानी कि आप देखो एड्स और रील से 500, इससे आप 500, एंड लाइव एड से 500, एंड बोनस से 500, हर किसी से आप विदाउट सेटअप $500 जनरेट कर सकते हो। एंड विद अ मैक्सिमम ऑफ $1,500 अक्रॉस दे थ्री टूल्स। तो यहाँ बोल रहा है, ध्यान से देखो ये लाइन बोल रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप तीनों टूल्स से जो है $1,500 ही कमा पाओगे। यानी 500 मान लीजिए एग्जांपल, 500 मान लो आपने एड्स और रील से कमाए, 500 इनस्ट्रीम एड से कमाए, 500 आपने बोनस से कमाए, $1,500 हो गया। अब $1,500 जब आप तीन टूल से जब जनरेट करोगे, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप जनरेट नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेगा, इफ़ यू हैव नॉट एडेड अ पे आउट अकाउंट विद इन 6 मंथ यू विल बी, मतलब आपका जो पेमेंट है ना आप वो उसके राइट्स खो देंगे आप, यानी वो पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपने $1,500 जनरेट कर लिया बट आपने फिर भी आपको ध्यान नहीं रहा, आपने पे आउट ऐड नहीं किया, डिटेल्स ऐड नहीं की, तो आप वो भूल जाइए, फिर आपके पास राइट्स नहीं होंगे कि आप अपनी अर्निंग को रिसीव कर पाएँ। एंड एक और चीज़ देखो यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू अर्न मनी विद बोनसेस यू मस्ट हैव अ पे आउट अकाउंट टू सेटअप बिफोर द बोनस पीरियड एंड। यानी कि अगर आपके पास में बोनसेस का टूल मिला हुआ है तो ये बात ध्यान रखिए, बोनस चलता है मंथ टू मंथ, यानी महीना शुरू हुआ और लास्ट महीने के बीच में आपको सेटअप करना ही पड़ेगा। इस केस में आपके पास में 1 मंथ का टाइम पीरियड है, यानी एंड करने से पहले पहले ही आपको सेटअप करना पड़ेगा। और साथ ही एक और चीज़ देखोगे यहाँ पे, जो भी मिनिमम थ्रेशोल्ड है, जैसे आप कंप्लीट करते हो तो आपका बोनस वहाँ मिल जाएगा।
एंड एक और चीज़ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 21 तारीख को हम लोग पेड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा आपके खाते में पहुँच जाता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं सर। आप यहाँ पे देखोगे भाई, ये रहा आपको, अगर वायर ट्रांसफ़र अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मिनिमम आपका थ्रेशोल्ड $100 का होना चाहिए। अगर आपने $25 चाहिए तो आपको यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र के अंदर आप इसको आराम से रीच कर सकते हो, यानी ले सकते हो। बट मेरा सजेशन है कि पर्सनली कि आप उसको बैंक ट्रांसफ़र की जगह पे वायर ट्रांसफ़र रखो, सबसे बेस्ट है, राइट। तो ये कुछ एक अपडेट है। बाकी कोई डाउट है, कोई चीज़ें हैं, कुछ भी अगर आप इसके रिगार्डिंग समझना चाहते हैं कि भाई आपका पेमेंट भाई रिजेक्ट क्यों हो रहा है, पेमेंट आपका लेट क्यों हो रहा है, रिजेक्टेड क्यों हो रहा है, एवरीथिंग कुछ भी है, तो आप यहाँ पे लेट अस नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट करके डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगी। पे आउट्स को लेकर बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि सर ये क्या है, नया जो स्ट्रक्चर है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझिए। बोनस, एड्स ऑन लीड्स, इन एस्टीमेट, तीनों से आप $1,500 कमा सकते हो मैक्सिमम। और अगर आप $1,500 जैसे ही जनरेट होगा तो आपको पे आउट अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने 6 महीने तक ऐड नहीं किया तो आपका पेमेंट आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, यानी आपके पास में 500, 500 और 500 इस तरीके से आपको जनरेट करना है। बट मेरा सजेशन है कि आप ये सब टेंशन ही क्यों पाल रहे हो भैया, जब आप सेटअप कर रहे हो तो ऑन टाइम सेटअप करो ना। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि कोई भी टूल आए पहले आप डिटेल्स कलेक्ट कर लो, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, बैंक इन्फॉर्मेशन ले लो, टैक्स आईडी ले लो, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कलेक्ट कर लो। आप कलेक्ट करने के बाद फिर जाके सारे प्रोग्राम करने आपको ये सेटअप वगैरह, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता ना भैया कि अब जो है शादी के टाइम पर भैया अब मंगलसूत्र है ही नहीं है तो कोनो फ़ायदा किया। तो इसलिए पहले पूरी प्लानिंग होती है ना, तो इसीलिए पूरी प्लानिंग करो पहले आप पूरा, है ना, देन उसके बाद जाट के उसको आप सेटअप करोगे तो फिर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। किसी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, राइट। और बैक तो देखो आना भी नहीं चाहिए, कोई भी टूल अगर आप सेटअप करो तो गेट बैक मत होइए। आप ट्राई करो, वन शॉट में आपको वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड देन आप क्या नए तरीके जो है उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये फेसबुक के टर्म्स है तो उसको आपको मानना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको काम करना है। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर करें और बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय। मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। इस पर चाहिए।